झारखंड के परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? यह सवाल धीरे धीरे उठ रहा है। आपको बता दें कि ये CNTSPT कानून का सबसे अधिक उल्लंघन सोरेन परिवार ने किया है। तो वहीं गोला के रहने वाले हेमंत सोरेन ने बताया कि उन्होंने झारखंड में अलग अलग जिलों में जमीन खरीदी है। तो वहीं गरीब आदिवासी लालू उर्फ के रांची में करोड़ों की जमीन महज कुछ लाख में खरीदी है और उस पर करोड़ों की लागत से एक आलीशान भवन का निर्माण कराया गया है। आखिरकार सोरेन परिवार ने पहले CNTSPT कानून का उल्लंघन कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब आदिवासियों की जमीन खरीदी है। लेकर हम लोग अपने बैठ कर के रणनीति बना रहे हैं, कैसे 65 पार हो, और जिस तरह लग रहा है जनता का रुझान कि हम लोग 65 नहीं 70 80 तक ही पहुंच जाएंगे, विपक्ष कहीं है ही नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज 5 साल में रघुवर दास जी ने जिस तरह आम जन एकदम निचले स्तर के सबसे लास्ट पायदान जो रहते हैं उनके लिए भी विकास का काम किया, इसमें पूरे गांव के आप देखेंगे गांव में पहले गांव में हम लोग वोट नहीं मिलता, लेकिन आज गांव-गांव में की जनता ज़्यादा वोट हम लोग गाँव से मिल रहा है। आज 1 रुपये में महिलाओं का रजिस्ट्री, महिलाओं का जो सम्मान दिया BJP के राज में रघुवर जी के राज में वह पहले कभी नहीं हुआ था। तो 1 रुपया में रजिस्ट्री, घर घर गैस, 1 गैस ने अब 2 गैस कर दिए ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो, स्वास्थ्य बीमा योजना, इतने सारे रघुवर जी के काम, रोड आज देख लीजिए। तो इसके लेकर के हम लोग चुनाव में बहुत जल्द जाने वाले हैं, चुनाव का भी घोषणा होगी जाने वाले हैं, और उसमें जनता का समर्थन हम लोग का साथ है। जनता इस बार 65 ही नहीं 70 से 80 सीट देगी और फिर से रघुवर जी का मजबूत सरकार बनेगा। तो इस बार लगभग कितने सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं लोगों ने? देखिए सदस्यता ग्रहण करीब करीब आपको लगता है कि युवा मोर्चा से अकेले 4 लाख किए हैं, तो 25 लाख से ऊपर युवा सदस्य बने हैं। सबसे सदस्यता में तो हमारे चक्कर में कहीं है ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो और बार का विधानसभा चुनाव और इस बार का विधानसभा का चुनाव दोनों में कुछ अंतर है या? बहुत का अंतर है। इस बार का विधानसभा चुनाव में जनता जो है एक तरफा BJP के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि रघुवर दास ने ऐसी स्थिति उत्पन्न करा दी कि मैंने हर घर विकास पहुंचाने का जो काम किया उससे इस बार कहीं कोई विपक्ष टक्कर में नहीं है। विपक्ष रहा भी हेमंत सोरेन जी में तो जितने दिन भी रहे उस सरकार में सिर्फ लूटने का काम किए, हर जगह हर जिला में जमीन का घेराबंदी का काम किए, आदिवासी को बुड़बक बना बना के जमीन रजिस्ट्री करा कर अपना वो जमीन का माने हमको लगता है गिनीज बुक में उनका नाम होना चाहिए जमीन रजिस्ट्री में। पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान अब जल्द होगा पूरा। बता दें कि रांची के मंडल में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल DRM के नेतृत्व में 16 से 30 सितंबर तक ये आयोजन चलेगा, साथ ही लोगों को इस अभियान के तहत स्वच्छता को लेकर जागरूक किया जाएगा और इस अभियान की रैली में रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। देश को लेकर के देखिए कि संपूर्ण भारतीय रेल पर हम लोग एक पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं जी। तो रांची रेल मंडल पर भी 16 तारीख से लेकर तो 30 सितंबर तक हम लोग एक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो आज जो है उसी के संदर्भ में मंडल रेल प्रबंधक जो नीरज अम्बस जी है उन्होंने लोगों में जागरूकता लाने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को ये पता चले कि स्वच्छता का क्या महत्व है उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आज सुबह जब आए वो तो उन्होंने रेल अधिकारी, रेल कर्मचारी इन लोगों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। उसके पश्चात फिर एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जिसमें मंडल के सारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे। हम लोग रेलवे हटिया कॉलोनी से होते हुए कुछ स्लोगन्स थे, कुछ नारे थे, भारत स्काउट गाइड के बच्चे थे उन लोगों ने इसके लिए स्लोगन भी बोले हैं ताकि लोगों में इसकी जागरूकता करें कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे। उधर से आने के पश्चात फिर DRM ऑफिस के सामने में जो एक छोटा सा ग्राउंड है उस ग्राउंड में हम लोगों ने प्लांटेशन किया, करीबन वहाँ पर बहुत सारे हमने पौधे लगाए हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से पौधों का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए वो भी एक कार्यक्रम किया। और ये सारा कार्यक्रम जो अभी है 16 तारीख से लेकर तो 30 सितंबर तक
हम हर दिन कुछ नया 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 नया, जैसे ट्रेनों में, स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सारी जगहों में हम लोग करेंगे। हमारे परिवार के लोग भी इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो दुकानदार लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे यात्री हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो भी हमको साथ दे, ताकि ये जो स्वच्छता का अभियान है ये पूरी तरह से अच्छे से संभव हो, अच्छा हो सके। तो ये मतलब कहाँ तक रहेगा ये पूरा रेंज, मतलब सिर्फ पूरा झारखंड? नहीं, अभी तो हम लोग रांची डिवीज़न के संदर्भ में अगर कहेंगे तो हमारा जो रांची मंडल है, इस मंडल पे जितने भी सारे स्टेशन हैं, लगभग 46 स्टेशन हैं, तो सभी स्टेशनों पे हमारी कॉलोनी जहां हम लोग रहते हैं, उस सारी जगह हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे स्वच्छता का अभियान चलाया जाए।